गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर, और वेक्टर में इससे पिछले वीडियो तक हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ चुके हैं। डॉट प्रोडक्ट के जो भी एप्लीकेशन है वो भी हम लोग देख चुके हैं। इन दिस वीडियो विल सी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन अनदर टाइप, दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, सो व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन? इन द क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन वी विल मल्टीप्लाई अ वेक्टर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द अदर वेक्टर, है ना। तो जब हमको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है, तब हमको क्या, कौन सा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन लेना है? क्रॉस प्रोडक्ट। और जब वेक्टर को एक दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करना है, देन व्हाट वी शुड टेक? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो वही क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आज पढ़ेंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट का भी बहुत सारा यूज है फिजिक्स में, जैसे एंगुलर मोमेंटम निकालना, टॉर्क निकालना। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जिसका यूज पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है, तो देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। क्रॉस प्रोडक्ट, ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का दूसरा टॉपिक है, क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट? इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन वेक्टर, वन वेक्टर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू अदर वेक्टर। ठीक है, अच्छा, ये एक जो रिजल्ट होगा, ये हम लिख देते हैं, रिजल्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। इसीलिए इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी हम जानते हैं। पहला वाला कैसा था? स्केलर प्रोडक्ट। और ये वाला कैसा है? वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, तो इसको ध्यान, अब इसको समझेंगे थोड़ा, क्यों वेक्टर होता है, क्यों क्या है, देखेंगे। पहले आपको याद होगा, जैसे मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए दो वेक्टर हैं, मान लीजिए दिस इज ए एंड दिस इज बी, और सपोज उसके बीच में एंगल थीटा है, एंड दिस इज, इसका मैग्नीट्यूड बी है, इसका मैग्नीट्यूड ए है। ठीक, तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा? ये कंपोनेंट हो जाएगा इसका ए कॉस थीटा, और दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड व्हाट? दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड व्हाट? ए साइन थीटा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? हमने आपको बोला मल्टीप्लाई ए, वेक्टर ए इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, ऐसा मैंने बोल दिया। इसका मतलब हम आपको क्या बोल दिए? हम आपको बोले कि आप ए क्रॉस बी निकालिए, मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन वेक्टर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू अदर वेक्टर। तो इसको हम लिखेंगे ए क्रॉस बी, याद रखिएगा, इसको बी क्रॉस नहीं लिख सकते हैं, दिस वी मस्ट राइट ए क्रॉस बी, याद रखिएगा। ठीक, अब हमको क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। पहली बात तो समझ लीजिए ध्यान से। अच्छा, तो भाई साहब, इस तो अब हमको पहले तो लेते थे, जब इसी डायरेक्शन मल्टीप्लाई करना था तो कौन सा कंपोनेंट लेते थे? ए कॉस थीटा। अब उस कंपोनेंट को लेना है जो इसके परपेंडिकुलर है, उसको मल्टीप्लाई करना है इस वेक्टर से। फिर से सुनिए,
इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन है, ए साइन थीटा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बी। तो अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या करते थे, जब इसको इसके डायरेक्शन मल्टीप्लाई करना था तो हम ये कंपोनेंट लेते थे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, अब नहीं करेंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को। सो नाउ इट इज व्हाट, ए साइन थीटा इंटू बी। ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। अब जरा सोचिए, अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई किए तो डायरेक्शन क्या होगा, हमको क्या पता। अब इसको हमने इससे मल्टीप्लाई, अब इसको क्या था, पहले इसमें मल्टीप्लाई किए तो इसी वेक्टर को लंबा कर देते थे तो डायरेक्शन हमको आसानी से पता चल जाता था, लेकिन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन कहाँ होगा, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो डायरेक्शन क्या होगा। नाउ वी नीड अ डायरेक्शन, मुझे एक डायरेक्शन की आवश्यकता है। तो वो डायरेक्शन कैसे आएगा, तो वो डायरेक्शन आएगा, आपने किसको मल्टीप्लाई किया है, ए को बी से मल्टीप्लाई किया है, तो आप ए से बी की तरफ मल्टीप्लाई किए हैं, तो डायरेक्शन ये थंब, पहली बात तो ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, उसके बाद आपको एक लाइन लिख लेना चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या है, दैट इज कर्लिंग ऑफ फिंगर, मतलब फिंगर का मोड़ना, रिप्रेजेंट्स कर्लिंग ऑफ, एक मिनट रुक जाओ, कर्लिंग ऑफ फिंगर इज इन सच अ वे दैट इट रिप्रेजेंट्स it represents A to B, मतलब जिसको अगर ये B से जा रहा था तो मुझे B से जाना है, लेकिन ये A से B जा रहा है, C above figure हमें लिख दे रहा है, अगर मुझे A से B जाना है तो मुझे A से B जाना होगा, अगर B cross A होता तो मुझे ऐसे जाना होता, ठीक है। तो A to B, then thumb represent direction of cross product, तो thumb जो है वो represent करेगा direction of cross product। ये बहुत important बात है, यहाँ पे देख लीजिए, बाद में बहुत काम आने वाला है, अब इसको pause करके लिख लीजिए। थोड़ा डायरेक्शन के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच वेक्टर्स आर प्रेजेंट, जिस प्लेन में वो होते हैं वेक्टर उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये होता है। देखिए, जैसे ए और बी है इस प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो बोर्ड के अंदर होगा। यू कैन सी है थंब, माय थंब इज इनसाइड द बोर्ड, ओके। दूसरा सिंबल ये याद कर लीजिए हमेशा के लिए, दिस इज कॉल्ड आउटवर्ड, ऐसे ये बाहर की तरफ, बोर्ड के आउटवर्ड, क्योंकि वो हम बना नहीं सकते हैं, वो मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और दिस इज इनवर्ड, इसको याद कर लीजिए। दूसरा, अगर ये वेक्टर होगा थंब,
तो वो अंदर की तरफ होगा ऐसा, अंदर की तरफ ऐसा, जिसका कोई शुरुआत नहीं है ना ही जिसका कोई अंत है ऐसा, और जिसका कोई शुरुआत नहीं होता है ना ही कोई अंत होता है वो ऐसे वेक्टर का नाम होता है एक्सियल वेक्टर, आपको पता होगा। ठीक है, यहां लिखेंगे रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज एन एक्सियल वेक्टर, वो एक एक्सियल वेक्टर होता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, लिख लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। आप पॉज करके लिख लीजिए। चलिए चलिए अब इसको समझाने की कोशिश करते हैं। उसी फिगर में सपोज इफ सी वेक्टर इज ए क्रॉस बी, अगर हम उसको सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सी का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, ए बी साइन थीटा। उसमें क्या होता था, ए बी कॉस थीटा, और ऐसे ही छोड़ देते थे क्योंकि हमको वेक्टर का यूनिट वेक्टर का आवश्यकता नहीं, लेकिन यहां आवश्यकता है। ठीक है, और सी कैप फॉर दिस केस, फॉर द गिवन केस इज इनवर्ड, इनवर्ड टू दिस प्लेन। ठीक है, तो जो सी वेक्टर बनेगा वो बनेगा ए बी साइन थीटा और सी कैप। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर इट इज थीटा, ये यहीं पे रिप्रेजेंट होगा, याद रखिएगा जिस पॉइंट पे लगाएंगे उसी पॉइंट पे होगा रिप्रेजेंट करना होगा, दिस इज सी कैप। ठीक है, और बेसिकली सी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है तभी तो सी कैप उसी डायरेक्शन में होगा। ये है आपका सी वेक्टर अंदर की तरफ, इज दिस ओके। ये तो इन जनरल अगर हम बात करें ए क्रॉस बी तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा और इंटू सी कैप। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। लिख लीजिए इसको, अब वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। नाउ कम कि अगर मुझे b को मल्टीप्लाई करना है a की डायरेक्शन में तो क्या करेंगे, b ये था और a ये था, दिस इज थीटा। अब b का कंपोनेंट इधर, दिस इज b cos थीटा, और सेम है इसका मैग्नीट्यूड b है और इसका मैग्नीट्यूड a है, और दिस इज व्हाट b sin थीटा है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है इस a से, ठीक है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, a cross b काम चल जाएगा, a डॉट b b डॉट a लिख दीजिए काम चल जाएगा, वहां डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहां नहीं चलेगा, यहां आपको लिखना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा b cross a। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो b sin थीटा इंटू a, b sin थीटा इंटू a है ना। एंड सपोज इफ आई एम टेकिंग, क्यों नहीं होता है इक्वल वो भी मैं आपको बताऊंगा, सपोज d इज इक्वल टू b cross a देन d का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, दैट इज ab sin थीटा। ठीक है, और अगर हम देखा तो डी कैप किधर होगा, डी वेक्टर होगा किधर एक्चुअली में, तो एक्चुअली में बी और ए ये है, बी और ए
बी से ए की तरफ, दिस इज आउटवर्ड, यानी कि जो डी का वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा, ये है ना, ये आउटवर्ड होगा। तो भैया वेक्टर ही बराबर थोड़ी ना है, एक अंदर है एक बाहर है, कैसे बराबर हो जाएगा? मैग्नीट्यूड बराबर होने से वेक्टर बराबर नहीं होता है। हम ये मानते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन बराबर नहीं है, एक उल्टा है दूसरा सीधा है, तो दिस वेक्टर इज नॉट इक्वल। हाँ, इसको एंटी पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं, बट इक्वल वेक्टर नहीं कह सकते, ठीक है। सो दिस इज डी कैप, ठीक है। तो अगर इन जनरल लिखना हो तो डी वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और डी कैप, रेफर टू दिस फिगर। चलिए कुछ कुछ बातें अब हम आपसे पूछते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये रहे ए और बी, हम आपसे पूछते हैं ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा? देखते चलते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल वन, डायरेक्शन किधर होगा ए क्रॉस बी? अंदर की तरफ, ठीक है। और करते हैं, जैसे कुछ भी ले लो, हाँ ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर है? अब ध्यान से आप ऐसा मत कर देना ए क्रॉस बी, गलत हो जाएगा। जब भी हम ए क्रॉस बी लगाएं, ये बात आप याद रखिए, दोनों रे आउटवर्ड होने चाहिए। नोट में लिख लीजिए ये बात, When we apply right hand rule, then when we apply right hand rule, then vectors must be outside, must be outward, vectors must be outward। तो हम इसको outward कैसे बना लें? तो ये बी जो है वो तो ऐसा का ऐसा ही है, और इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर को हम स्लाइड कर सकते हैं कहीं से, कोई दिक्कत नहीं है। ये वेक्टर, समझ आया? तो अब आप लगाइए ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी किस तरफ है? बाहर की तरफ। और वैसे करते तो अंदर की तरफ आता, जो कि गलत हो जाता। इस बात का ध्यान रखिए, खासे बच्चे इसमें परेशान रहते हैं, ठीक है। चलिए अब फिर पूछे ए और बी, अब बताइए हम आपसे पूछते ए क्रॉस बी इसका डायरेक्शन किधर है? फिर वही बात, दोनों आउटवर्ड होने चाहिए, लेकिन एक यहाँ से आउटवर्ड है एक इनवर्ड है, ये सही बात नहीं है। ये एग्जामिनर कंफ्यूज करना चाहता है, तो आप इसको क्या करिए, इधर की तरफ ले लीजिए। अब इस पॉइंट पे दोनों वेक्टर आउटवर्ड है, तब आपको लेना चाहिए ए क्रॉस बी। नाउ इट इज व्हाट? इनवर्ड, दिस इज ए क्रॉस बी। तो ये सारी बातें थोड़ी थोड़ी ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिख लीजिए पॉज करके। चलिए एक और देखते हैं, एक दो और देख लें। अब मान लीजिए कि ये एग्जांपल नंबर फोर, ये टू है, एग्जांपल टू
ये एग्जांपल थ्री लिख लीजिए, एग्जांपल फोर, सपोज एक वेक्टर ऐसा है ए और सपोज दिस वेक्टर इज बी, ये ऐसा वेक्टर दिया हुआ है, तो ए क्रॉस बी किधर होगा? अब कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये ए अंदर की तरफ है और बी, तो ये एक अलग प्लेन है, ये कुछ ऐसा प्लेन है, देखिए मैं बताऊँ, ये अंदर की तरफ और ये इस तरफ, ये इस तरफ, ऐसा ऐसा है ये, तो ये इस प्लेन में है, अब ये इस प्लेन में है, ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा जाहिर सी बात है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब इधर कहीं ना कहीं होगा, याद रखेंगे ये बात, ठीक है। तो इसका किधर होगा? ए क्रॉस बी है ना, तब ए अंदर की तरफ है, ए अंदर की तरफ है, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, यू हैव टू कर्ल योर फिंगर सो दैट इट डिपिक्ट्स द मल्टीप्लीकेशन वेदर इट इज बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी, सो इट इज ए क्रॉस बी, दिस इज ए क्रॉस बी, डाउनवर्ड दिस वन, दिस इज ए क्रॉस बी, तो ये सब भी याद रख ले तो कोई बुरी बात नहीं है। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर फाइव, मान लीजिए ऐसा हो जाए, एक वेक्टर ये दिया हुआ है और एक वेक्टर ये दिया, तो ये वेक्टर मान लीजिए बी वेक्टर है और ये वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है। सपोज हम आपसे पूछे कि डायरेक्शन बी क्रॉस ए का बताइए किधर है, ठीक है, फिर वही बात कि बी ऊपर की तरफ है और ए अंदर की तरफ है, तो यू हैव टू जस्ट बी क्रॉस ए, बी ऊपर की तरफ है तो बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बी को ए की तरफ ले जाना है, तो अंगूठा किधर है? इस तरफ, दिस इज बी क्रॉस ए, ठीक है। याद रखिएगा ये इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये जिस प्लेन में अवेलेबल है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो दिस शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस, दिस शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो ये जितने तरह के सवाल बन सकते थे मैंने करा दिए, बाकी टाइम पास है, ठीक है, अब जो मर्जी है करते रहिए, मैंने सारे टाइप के ले लिए डायरेक्शन जो आ सकते हैं। चलिए अब थोड़ा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कैसे किया जा सकता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि मुझे पहले तो ये देख लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, जैसे डॉट प्रोडक्ट का देखे थे वैसे क्रॉस प्रोडक्ट का भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सपोज दिस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगेन, आई जे और के, सपोज इफ आई एम आस्किंग आई क्रॉस आई, क्या हो जाएगा भाई ये आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, तो दैट इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और साइन, आई और आई में कितना एंगल, जीरो डिग्री, और इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, वी कांट फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ जीरो, क्योंकि ये जीरो आने वाला है और जीरो वेक्टर का यूनिट वेक्टर अनडिफाइंड होता है, तो डायरेक्ट इसको ऐसे छोड़ दीजिए जीरो, ठीक है, ओके। नाउ आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, सो ये कितना हो गया आई जे और ये हो गया साइन 90, और इसका यूनिट वेक्टर होगा, मुझे क्या करना है आई क्रॉस जे, आई से जे, जब हम आई से जे की तरफ जाएंगे तो दिस इज के आउटवर्ड, ठीक है, सो दिस इज के, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हमको, वन, इसका मैग्नीट्यूड वन है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, वन इंटू वन इंटू वन, दैट इज के वेक्टर, के कैप, इसका आंसर क्या है, के कैप। चलो अब आ जाते हैं आई क्रॉस के कैप, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा आ जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा इसका, आई क्रॉस के साइन 90, अब आई क्रॉस के इधर है, आई क्रॉस के, आप आई से के की तरफ जाइए, इफ यू मूव फ्रॉम आई टू के इट इज लाइक दिस, के बाहर की तरफ है, आई से के ये नीचे की तरफ है, ठीक है, तो जे ऊपर है तो ये माइनस जे होगा, दिस इज माइनस जे, सो दिस इज माइनस जे कैप, इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप, ठीक है। अब आते हैं
जे क्रॉस आई कैप। अच्छा दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आपको मैंने दिखाया इससे पहले कि ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस बी क्रॉस ए होता है, ये बात आप याद रखेंगे। दिखाया भी है मैंने आपको ऊपर उधर इधर उधर का आया था कि याद रखिएगा ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अच्छा ऊपर में कहीं जगह होगा तो लिख लीजिएगा कि दिस इज दिस वन नॉट डज नॉट ओबे, कहीं ना कहीं लिख लीजिए इसके ऊपर में डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ इन दोनों में मैग्नीट्यूड बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन बराबर नहीं होगा, एक उल्टा होगा एक सीधा होगा, लिख लीजिए उसको। नाउ जे क्रॉस आई, तो आई क्रॉस जे क्या था के, तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा डायरेक्ट लिखते हैं जे का ये मैग्नीट्यूड 1 × 1 × sin 90 दैट इज 1 और डायरेक्शन क्या होगा आई क्रॉस जे का के है इसका क्या हो जाएगा माइनस के का, क्यों क्योंकि जे क्रॉस आई आई क्रॉस जे देखिए उल्टा है इसीलिए वहां पर लिखा दिया है, ठीक है। आप देखिए ऐसे भी देख सकते हैं जे से आई की तरफ जाना है तो इफ यू गो फ्रॉम जे टू आई इट वुड बी इनवर्ड, यानी कि ये के बाहर की तरफ है तो अंदर की तरफ माइनस के हो जाएगा। नाउ जे क्रॉस जे इट इज 1 × 1 × 0 सिंपली 0 छोड़ दीजिए उसके बाद जे क्रॉस के, ठीक है। तो 1 × 1 × 1 और यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा जे क्रॉस के, इफ यू गो फ्रॉम जे क्रॉस के जे से के की तरफ अगर आएंगे तो इट वुड बी इन दिस डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव आई डायरेक्शन, सो ये क्या हो जाएगा आई कैप, ठीक है। उसके बाद यहां लिख देते हैं अगर के क्रॉस आई आ जाए तो 1 × 1 × 1 और के क्रॉस आई, आई क्रॉस के क्या था आई क्रॉस के था माइनस जे तो के क्रॉस आई क्या हो जाएगा जे, सो इट इज जे दैट इज के क्रॉस आई दिस यू कैन सी है, ठीक है। नाउ इफ इट इज के क्रॉस जे इट इज व्हाट इज जे क्रॉस के, जे क्रॉस के इज आई देन के क्रॉस जे इज माइनस आई, यू कैन चेक इट यू कैन सी हेयर जे क्रॉस के नहीं सॉरी के क्रॉस जे, के क्रॉस जे के बाहर की तरफ है, के क्रॉस जे इज इन दिस डायरेक्शन सो इट इज ए नेगेटिव आई डायरेक्शन। नाउ के क्रॉस के इट इज जीरो। अब आपको ध्यान दीजिए, अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है याद है पहले सेम डायरेक्शन मिल के आते थे, मतलब आई डॉट आई आता था जे डॉट जे आता था और के डॉट के आता था बाकी सब जीरो आता था, यहाँ उल्टा होगा यहाँ आई डॉट आई जीरो होगा जे डॉट जे जीरो होगा और के डॉट के भी जीरो होगा, देख लीजिए ठीक है। इस बात को याद कैसे रखा जा सकता है मैं बताऊँ आपको, आपको एक सर्कल याद करना होगा, एक सर्कल ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा ये ऐसा आई और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिख दीजिए जे कैप और के कैप, ये तीन चीज लिख दीजिए ठीक। अब मान लीजिए आई क्रॉस जे गए आई क्रॉस जे तो के यहां पे है और क्या एंटी क्लॉकवाइज यहां पे देखिए लिख देते हैं दिस इज पॉजिटिव एंटी पॉजिटिव और अंकल नेगेटिव, मतलब एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा याद रखिएगा। अब आप आई से जे गए और आपको उसी डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में के मिल गया तो पॉजिटिव के होगा, देखिए आई क्रॉस जे दैट इज पॉजिटिव के, किसी चीज को चेक कर लीजिए। अब जैसे मैंने आई क्रॉस के करना होता तो आई क्रॉस के आप इधर से आइए आई क्रॉस के इस डायरेक्शन में नहीं है वो इधर है तो माइनस जे आई क्रॉस के इज माइनस जे, देखिए आप एक काम कीजिए इसको हटा लीजिए इसमें इसका जरूरत नहीं पड़ेगा ये दूसरा कुछ है छोड़ दीजिए उसको। अब बस यहाँ देखिए इस सर्कल में देखिए तीन पार्ट में इसको बांट लिए, अब इसको देखिए आप जिस डायरेक्शन में बढ़िए आई क्रॉस जे तो के उसी डायरेक्शन में है देन इट इज पॉजिटिव, अगर मुझे आई क्रॉस के जाना है तो मुझे आई क्रॉस के इधर अगर होता आई क्रॉस के वन मिनट लेट मी रिमाइंड समथिंग
दोस्तों एक मेथड देखिए, एक मेथड में जैसे कि हम इससे बता सकते हैं, इन सारी चीज़ों को याद रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब साइड में क्या करिए, एक सर्कल बना लीजिए, उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, उसको लिख लीजिए आई जे और के, ठीक है। और ध्यान रखिए कि एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो पॉजिटिव होगा और जो क्लॉकवाइज होगा दैट वुड बी निगेटिव, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज होगा वो निगेटिव होगा, ठीक। तो ध्यान से देखिए, आपको मान लीजिए आई क्रॉस जे जाना है, मतलब आई से जे की तरफ, इधर की तरफ जाएंगे, तो ये किधर गए, एंटी क्लॉकवाइज आई क्रॉस जे तो होगा तीसरा वाला, और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो होगा पॉजिटिव। अगर आई क्रॉस के जाना है तो आई क्रॉस के देखिए आप क्लॉकवाइज चले गए, आई क्रॉस के क्या होगा तो तीसरा वाला जो बचा जे, अब क्लॉकवाइज गए इसलिए निगेटिव है माइनस जे, ठीक है। तो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई आप गए कैसा, क्लॉकवाइज, अगर आप क्लॉकवाइज गए तो होगा तीसरा वाला निगेटिव में। देखिए जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आप गए एंटी क्लॉकवाइज, कैसा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो होगा तीसरा वाला लेकिन पॉजिटिव में, यू कैन सी। और आप कुछ भी देख सकते हैं ऐसे, ये शॉर्टकट तरीका है जिससे उसको याद रखा जा सकता है और कोई खास बात नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और इस इन बातों को आप ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब जरा एक मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। ये सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए, आप याद रखिए, या फिर ये याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा सा हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है इसका। सपोज इफ ए वेक्टर इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड बी वेक्टर इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। तो सपोज मुझे ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी करना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लिख लेना चाहिए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। पहले तो ये लिख लीजिए, ओके। नाउ अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करिए सिंपली जैसा कि पहले करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो जीरो आएगा, यानी कि एक्स बी एक्स इंटू जीरो, वो तो जीरो आने वाला है, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो एक्स बी वाई एंड नाउ आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या था तो आई पहले तो जे आएगा ना, सॉरी आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, अब आई क्रॉस जे क्या था, आई से जे एंटी, एंटी बढ़े, एंटी बढ़े तो ये पॉजिटिव, सो दैट इज के, ये के वेक्टर। डरे नहीं बिल्कुल भी, ये प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। और वैसे भी प्रैक्टिस ये नहीं करना है, एक और चीज है, एक और मेथड है जो हम बताएंगे जो इजी वाला है। पहले ये देख लीजिए एक्स बी वाई और आई क्रॉस जे क्या आएगा, के, वहां से हम देख लीजिए जो कि पॉजिटिव में है। चलिए प्लस एक्स बी जेड, एक्स इंटू बी जेड और आई क्रॉस के, अगर आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे, क्यों, क्योंकि हम क्लॉकवाइज बढ़ रहे हैं, क्लॉकवाइज बढ़ रहे हैं तो हो जाएगा माइनस जे, ठीक है। आफ्टर दैट प्लस ए वाई इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी एक्स और जे क्रॉस आई, नाउ व्हाट इज जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई इज माइनस के बिकॉज वी आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जे क्रॉस आई इज माइनस के, ठीक है। अच्छा नाउ प्लस जे क्रॉस जे दैट इज जीरो, दैट इज ए वाई
बी वाई इंटू जीरो प्लस नाउ दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस ए वाई बी जेड और जे क्रॉस के इफ यू मूव जे क्रॉस के इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो इट इज पॉजिटिव आई ठीक है जे क्रॉस के ना यस जे क्रॉस के इज पॉजिटिव आई ओके नाउ तीसरा वाला ए जेड इंटू बी एक्स प्लस ए जेड इंटू बी एक्स एंड इट इज के क्रॉस आई इफ यू मूव के क्रॉस आई अगेन यू हैव टू मूव एंटी क्लॉकवाइज एंड दैट इज पॉजिटिव जे इट इज पॉजिटिव जे ठीक अच्छा फिर के क्रॉस वाई दैट इज ए जेड इंटू बी वाई एंड के क्रॉस जे सो के क्रॉस जे अगेन यू हैव टू मूव क्लॉकवाइज दैट इज माइनस आई एंड अगेन ए जेड इंटू बी जेड प्लस ए जेड इंटू बी जेड इंटू जीरो ये आया मल्टीप्लीकेशन तो अब सर अगर एक बार मल्टीप्लीकेशन आ जाए तब तो मेरा पूरा टाइम चला जाएगा हम ऐसा कैसे करेंगे आसान तरीके से ये तो बहुत बड़ा हो गया खैर कोई बहुत बड़ा नहीं है इसको हम सिंपल भी करेंगे पहले बड़ा वाला से समझ में आना चाहिए कि आंसर क्या आ रहा है फिर उसके हिसाब से हम लोग इसको सिंपल करेंगे देखिए पहले अब इसको लिखते हैं अब जैसे आई वाले को एक साथ कर लीजिए और जे वाले को एक साथ और के वाले को एक साथ आई वाले को पहले एक साथ कर लेते हैं आई वाले में क्या है ए वाई बी जेड माइनस आई वाला कहाँ गया ये ए जेड बी वाई ए जेड बी वाई और ये क्या है आई कैप ये प्लस अब जे वाले को एक जगह कर लीजिए दैट इज ए जेड बी एक्स माइनस जे वाला यहाँ ए एक्स बी जेड इंटू जे कैप और प्लस के वाला प्लस कहाँ गया कहाँ गया ये ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के कैप ये तो ये इसका आंसर है क्या ये आई जे के फॉर्म में आया है दिस इज ए क्रॉस बी क्या ये आई जे के फॉर्म में आया है आंसर है हाँ क्यों आया है क्योंकि ये वेक्टर है तो क्या इसका रिजल्टेंट वेक्टर आता है आंसर है हाँ देख लो ठीक है तो पहले तो ये लिख लीजिए आप उसके बाद हम इसको आसान तरीके से बनाएंगे ओके चलिए अब इसका आसान मेथड जो है अच्छा मेथड अलग तो आंसर अलग आना चाहिए क्या नहीं गलत बात मेथड अलग होने से आंसर अलग नहीं आना चाहिए नाउ सी डिटर्मिनेंट मेथड ये सबसे आसान मेथड है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का और आप लोगों को ये आना चाहिए रात में 2 बजे भी ये भूलना नहीं डिटर्मिनेंट मेथड टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट अब इसका जो एल्गोरिदम है वो आपको याद रखना है जैसे सपोज दिस इज अ वेक्टर गिवन एंड व्हाट वी शुड डू मुझे निकालना क्या है ए क्रॉस बी सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मुझे निकालना क्या है ए क्रॉस बी और आई थिंक आपने शायद मैट्रिक्स पढ़ा हो नहीं भी पढ़ा हो तो यहाँ ध्यान से देखिए आपको समझ में आ जाएगा सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए ऐसा लाइन खींच दीजिए उसके बाद यहाँ पे लिखिए आई कैप जे कैप और के कैप पहले तो ये उतार दीजिए उसके बाद आपको करना क्या है पहले क्या है ए है कि बी है तो आंसर है इस मल्टीप्लीकेशन में पहले ए है तो अगर a है तो a का कोफिशियंट्स क्या है i j k का ax ay और az
तो आई जे के नीचे उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफिशियंट्स लिख दीजिए. सो दैट इज ए एक्स बी एक्स सॉरी ए वाई और ए जेड. ठीक, उसके बाद बी का कोफिशियंट लिख दीजिए, उल्टा मत करना वरना आंसर निगेटिव आ जाएगा. बी एक्स बी वाई एंड बी जेड. ओके, अच्छा उसके बाद आपको क्या करना है जरा ध्यान से समझिएगा इसको. देखिए ये अल्गोरिदम है, अल्गोरिदम मतलब स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको. ठीक है, करना क्या है अगर नहीं समझ में आए तो ये जो वीडियो है इसको बार बार देखिएगा यहाँ से ताकि आपको समझ में आए. आपको करना है इसको प्लस कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें. उसके बाद पहले आप एक काम करिए, पहले इसको पकड़िए और ये जिस रो में आ रहा है उसको और इसको काट दीजिए, इसको और इसको काट दीजिए. ये सब आपको मन में करना है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हमको करना है क्योंकि हमको आपको दिखाना है तो हमको काटना पड़ेगा. ये काट लीजिए. अब ये कटा किस पे है, आई पे, प्लस आई पे. बेसिकली आप यहाँ लिखिए प्लस आई, वो आप प्लस नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा. एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये सब तो कट गया, अब जो बाकी बच गया उसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए. मतलब दिस माइनस दिस, मतलब ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये लिख दीजिए. ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. उसके बाद क्या करना है, ये सब आपको मन में करना है. हम दूसरा फिर से बना के कर लेते हैं. आई जे के एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड. ठीक, अब इसको कर लीजिए, जिस रो में है और जिस कॉलम में है, ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था. अब आपको क्या करना है, इसको उठाना है माइनस जे, और अब इस जो बाकी बच गए उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए. दिस माइनस दिस, हमेशा लेफ्ट कॉर्नर से चलना है, लेफ्ट अपर कॉर्नर, लेफ्ट अपर कॉर्नर, यूज ऑलवेज लेफ्ट अपर कॉर्नर. दिस माइनस दिस, यानी कि एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स. और उसके बाद क्या करना है, उसी तरह के वाले को उठाना है. याद रखिएगा ये सब मन में ही करना है, हमको दिखाना था इसलिए हम दिखा रहे हैं. एक्स ए वाई और ए जेड बी एक्स बी वाई और बी जेड प्लस माइनस प्लस. ये किस पे कट रहा है, के पे. तो प्लस के कैप इज इक्वल टू लेफ्ट कॉर्नर से, लेफ्ट अपर कॉर्नर. तो एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, ये हो गया सिंपल. ठीक है, अब अगर हमको करना होता तो हम ऐसे करते, हम कुछ नहीं करते, सीधा ये लिखा होता मेरे आगे, ये हमको भी लिखना पड़ेगा. एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड. तो हम क्या करते हैं, हम आई पकड़ते और डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करते, दिस माइनस दिस, सिंपल. फिर इसको इस पे हाथ रखते, ये माइनस जे लिखते, फिर ये चला गया, फिर ये दिस माइनस दिस, फिर ये प्लस के, फिर इस पे हाथ रखते, फिर प्लस के दिस माइनस दिस, सिंपल. ओके, और सिंपली ये हो जाता. जरा वो आंसर दिखे तो सही है कि नहीं, ये आंसर कुछ गलत आया. दिस इज द आंसर ऑफ ए क्रॉस बी. अब देखिए जरा कि ये सही आया कि नहीं. तो यहां देखिए, पहले आई का कोफिशिएंट देखिए, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, क्या है, क्या ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, यस बिल्कुल. यहां पे ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, यहाँ एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी, यहाँ ये पहले आ गया. अरे कोई बात नहीं, यहाँ माइनस लगा हुआ है भाई साहब, माइनस अंदर फेंको इधर आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. ये एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, सिंपल आंसर. तो ये सबसे आसान तरीका है किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का. लिख लीजिए इसको, कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा
ओके चलिए, नाउ सपोज एग्जाम्पल नंबर वन, सपोज दिस ए वेक्टर इज गिवन टू बी 2i कैप + 2j कैप + k कैप एंड बी वेक्टर इज 3i कैप + 4j कैप। मान लो ऐसा आ गया और मैंने आपको बोला कि बेटा ए क्रॉस बी निकालो, क्या दिक्कत है इसमें भाई साहब? हम तो क्या करेंगे, सिर्फ ऐसे एक रफ पेज में जाएंगे और रफ पेज में i j k क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है। तो पहले ये लिख लें 2 2 1 कोफिशियंट और इसका 3 4 इधर कुछ नहीं है तो 0, ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना। अब हम क्या करेंगे देखिए, आई पहले लिख लें, उसके बाद 0 - 4 फिर माइनस जे अपने आप, फिर 0 - 3 ठीक है, फिर प्लस के क्या 8 - 6 सो दिस इज -4i कैप + 3j + 2k कैप - 4i कैप + -++ 3j कैप और + 2k कैप। आंसर इज दिस वन, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसका कोई यूनिट वेक्टर पूछ ले तो वो तो मजाक कर दिया, मतलब क्या है, इसको डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से, क्या है इसमें, है ना, फालतू फालतू चीज़ें जो भी मर्जी है करते रहिए। अब देखिए मान लीजिए कि सपोज एग्जांपल नंबर 2, ए इज 2i कैप + 2j कैप, बी इज 4i कैप + 3j कैप या माइनस कर लो, ठीक है। चलो अब इसका पूछ दिया गया कि हमको बताइए। अब एक बात सबसे पहले समझिए, ये किस प्लेन में है, आई क्रॉस जे मतलब एक्स वाई प्लेन में, ये किस प्लेन में है आई और जे मतलब एक्स वाई प्लेन में, ये भी एक्स वाई प्लेन में, ये भी एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में है मतलब एक्स और वाई प्लेन में है, तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, के में। जो ए क्रॉस बी अगर करेंगे तो उसका रिजल्टेंट किधर आएगा, मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा किधर आएगा, परपेंडिकुलर टू दिस मतलब के, मतलब जेड डायरेक्शन में होगा 110%। अब निकाल के देखिए वो के में ही आएगा, आई और जे में 0 आएगा। मैं दिखाता हूं कैसे, वही काम पहले करिए, आई जे के ठीक है 2 2 1 0 और 4 - 3 0। अब इसको निकालिए, हमको क्या निकालना था, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पहले तो आई, फिर आई अगर इधर हटा दिए तो 0 - 0 0 आना ही था, फिर माइनस जे 0 - 0 फिर प्लस के 3 × 6 - 6 - 4 = 8। ये माइनस प्लस का ध्यान एकदम बखूबी रखना है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू -14 के, देखिए आया ना के डायरेक्शन में, होना ही था, ऐसे भी देख के कर सकते हैं, अगर मुझे करना होता तो मैं देखता कि आई जे है तो हम ये दोनों पे ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ ये करते हैं, बस हो गया आंसर, ठीक है। और या फिर इसमें भी कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा और एक्सपर्ट हो जाओ तो 3 × 6 - 1 ये यहीं पे किया जा सकता है, उसके लिए ड्रॉ करने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सो यहाँ हमने देखा कि ऐसे हम निकाल सकते हैं, और भी एग्जांपल कर लीजिए, हाँ पी लेते हैं, यहीं पर हम बोल देंगे धीरे धीरे। सो यहाँ पे अगर देखा जाए एग्जाम्पल नंबर 3, अब देखा जाए मान लीजिए ए वेक्टर इज 4i - 3j, अब बी वेक्टर इज -2i + 2j, ऐसा कुछ भी दे दिया गया, ठीक है। अब
या फिर इसको बदल दीजिए, के कर दीजिए। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये वो वाला सवाल नहीं है, ये सेम प्लेन में सवाल नहीं, ये अलग प्लेन में, ये अलग प्लेन में, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। सपोज हमने आपसे पूछा कि बी क्रॉस ए निकालिए, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बी क्रॉस ए? आप क्या करिए, आप आई जे के लगा दीजिए, आई जे के, ठीक है। अब आई जे के लगा दिए तो अब ये फोर और थ्री, फोर और माइनस थ्री पहले लिख दीजिए, अब यहाँ जीरो, और यहाँ पे माइनस टू आई प्लस टू के, तो माइनस टू जीरो और प्लस टू के, ऐसे लिखना है आपको, ये करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई पहले लिख दीजिए और दिस वन, थ्री टू जै सिक्स यानी कि माइनस सिक्स माइनस जीरो, ठीक है। फिर माइनस जे, माइनस जे ये गया, फोर टू जै एट माइनस जीरो, प्लस के कैप ये तो फोर जीरो जीरो माइनस थ्री टू जै माइनस माइनस प्लस, तो थ्री टू जै सिक्स, तो आंसर वुड बी माइनस सिक्स आई कैप माइनस एट जे कैप और प्लस सॉरी माइनस सिक्स के कैप। ये है आपका बी क्रॉस। मैंने कुछ गड़बड़ करा था? यस यस यस, ये एक चीज़ गड़बड़ है, रुकिए, मुझे पहले ये लिखना चाहिए था, बिकॉज इट इज़ बी क्रॉस है, ये गलती आपसे भी हो सकता है, सो ध्यान दीजिएगा, बी क्रॉस है, पहले मुझे बी लिखना चाहिए था, माइनस टू जीरो प्लस टू और फिर ए, दैट इज़ फोर और माइनस थ्री जीरो, अब करना है मुझे बी क्रॉस है। सो दिस इज़ आई कैप, कुछ नहीं होता उसका, जो आता है उसका निगेटिव होता, तो ये हो जाएगा आई और ये ख़त्म, तो ज़ीरो और ये माइनस सिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस सॉरी माइनस जे कैप, दिस वन दिस इज़ ज़ीरो माइनस फोर टू जै एट, ठीक है। फिर प्लस के कैप, दैट इज प्लस सिक्स माइनस ज़ीरो, सो द आंसर वुड बी माइनस सिक्स आई और प्लस एट जे, माइनस सिक्स आई प्लस एट जे और प्लस सिक्स के, कुछ नहीं उसका निगेटिव आएगा, करके देख लीजिएगा। सो दिस इज आंसर, आप वीडियो पॉज करिए और लिख लीजिए। चलिए एग्जाम्पल फोर एक और कर लेते हैं। सपोज ए क्रॉस ए वेक्टर इज थ्री जे माइनस फोर के, बी वेक्टर इज टू आई प्लस जे, सपोज ऐसा दे दिया गया, कुछ भी दे सकता है, और सपोज पूछा गया हमसे कि बी क्रॉस ए निकालिए, अगेन इट इज बी क्रॉस ए, नाउ वी हैव टू टेक केयर अबाउट इट, आई कैप जे कैप के कैप, नाउ पहले बी लिखना है हमको, तो बी इज वॉट टू और टू और वन, तो आई और जे के नीचे है, तो टू और वन और ये ज़ीरो, और यहाँ पे आई ज़ीरो है और ये है थ्री और दिस इज माइनस फोर, अब निकाल दीजिए। सो आई कैप दैट इज माइनस फोर माइनस ज़ीरो माइनस जे कैप माइनस एट माइनस ज़ीरो और प्लस के कैप सिक्स माइनस ज़ीरो, सो इट इज़ व्हाट माइनस फोर आई कैप प्लस एट जे कैप और प्लस सिक्स के कैप। तो दोस्तों आप करिए क्या कि जो भी हम जब भी प्रॉब्लम लिखें या फिर जो ये बना चुके हो, आप आंसर बिना देखे खुद से ट्राई करिए और फिर आंसर मेरा मिलाइए, देखिए आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है आपसे खुद। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सपोज दिस इज फोर आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इज टू आई कैप माइनस थ्री के कैप, ऐसा आ गया, और हम आपको बोले कि ए क्रॉस बी निकालिए, ए क्रॉस बी निकालिए, ठीक। तो आई कैप जे कैप और के कैप लिख लीजिए, फिर ए क्रॉस बी है ना, पहले तो पहले ए लिखना है, फोर टू वन और b वेक्टर इज टू और माइनस थ्री, टू ज़ीरो और माइनस थ्री, ध्यान से आपको लिखना है, ये k है तो k के नीचे लिखना है,
Now what is this one? This is I cap and that is minus 6, minus 0, minus j cap, minus 12, minus 2, plus k cap, zero, minus 4. So it is how much? This is minus 6 I cap or minus 14, so minus minus plus 14 j cap or minus 4 k cap. ठीक है, अब इसका बोल दिया आपको यूनिट वेक्टर निकालिए तो कोई खास बात नहीं है, आप निकाल सकते हो. एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जो फिजिक्स का क्वेश्चन है. जैसे मान लीजिए यहां से ये आर जो है वो है 2i कैप प्लस 2j कैप, या फिर चलिए हम ऐसा करते हैं और अच्छा इसको करते हैं. मान लीजिए ये ओरिजिन है 0 0 0 ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है 2 2 और 1 ठीक है, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F, दैट इज 3i प्लस 4j न्यूटन. ये फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है ठीक है. तो आपको बोला गया टॉर्क निकालिए, आपको नहीं पता टॉर्क क्या है, हम बता रहे हैं टॉर्क क्या है, टॉर्क क्या होता है उसके हिसाब से आप निकालिए कि टाउ अबाउट ओ इज नथिंग बट आर क्रॉस एफ. ये फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, हालांकि बाद में आप सीख जाओगे ये, बट अभी नहीं पता तो कोई बात नहीं है, ये कर लेते हैं ठीक है. टाउ किसके अबाउट निकालना है, ओ के अबाउट, तो वो क्या होता है आर क्रॉस एफ, और आर क्या है तो ये पोजिशन वेक्टर ओ से जिस पॉइंट पे वो लग रहा है, तो इसका ये पोजिशन वेक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज आर वेक्टर इज 2 माइनस 0 दैट इज 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप. ये तो अब टाउ अबाउट ओ क्या हो जाएगा, दैट इज आर क्रॉस एफ. अब हमको आर क्रॉस एफ करना है, आर पता है एफ पता है, आप पहले ट्राई कीजिए खुद से, आप पॉज करके इसको ट्राई करिए खुद से, कुछ नहीं करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है.